तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही खबर के साथ। बंद पड़ा कैंबे गोल रिजॉर्ट बना बघेरों का घर। रिजॉर्ट की छत पर आराम फरमाता दिखा लेपर्ज, और इससे पहले सितंबर 2020 और साथ ही अप्रैल 2023 में यहां से लेपर्ज को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन लगता है कि लेपर्ज की पसंदीदा जगह ये है और ये भी यहां पर अक्सर छुट्टियां मनाने पहुंचता है। लेकिन फिर से रिजॉर्ट में लेपर्ड दिखने से आसपास के जो लोग हैं, बस्तियों में लोग रहते हैं, वो काफी दहशत में है। करीब एक सप्ताह से रिजॉर्ट के आसपास और कभी छत पर जो भी आप देख रहे हैं ये लेपर्ड नजर आता है। दिनेश चौधरी, यशपाल शर्मा, शुभम सैनी, दयाल गुर्जर ने इस लेपर्ड को देखा और शुभम ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से लेपर्ड का वीडियो साझा किया। सेल्वन पार्क पंचायत के समीप होने के चलते लेपर्ड का मूवमेंट यहां पर होता है, अब ये सभी समझते हैं। लेकिन इस रिजॉर्ट में जो कि बंद पड़ा हुआ है, बंद रिजॉर्ट काफी समय से वन्य जीवों का घर बन चुका है। आसपास का आलम ये है डर का कि बस्ती वाले घर से बाहर भी नहीं निकलते क्योंकि किसे पता देर रात को कोई जंगली जानवर उन पर हमला कर दे। खासतौर पर देखिए लेपर्ड का विचरण शहरी इलाकों तक होना, वहां तक पहुंचना यकीनन कहीं ना कहीं चिंता वाला विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में ना वन्यजीव के लिए ठीक है और ना ही जनता के लिए। जयपुर से खबर है, बंद पड़ा कैंबे गोल्फ रिसोर्ट बना है बघेरों का घर। रिसोर्ट की छत पर आराम फरमाता दिखा है लेपर्ड। इससे पहले सितंबर 2020 की बात है, अप्रैल 2023 की बात है, यहां से लेपर्ड का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब फिर रिसोर्ट में लेपर्ड दिखने से आसपास की बस्तियों में लोगों में दहशत है। करीब एक सप्ताह से रिसोर्ट के आसपास और छत पर दिखाई देता है ये लेपर्ड। दिनेश चौधरी, यशपाल शर्मा, शुभम सैनी, दयाल गुर्जर ने लेपर्ड को देखा है। शुभम ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से साझा किया है लेपर्ड का वीडियो। सेल्वन पार्क वन क्षेत्र समीप होने के चलते यहां लेपर्ड का मूवमेंट अक्सर रहता है। बंद रिसोर्ट काफी समय से वन्य जीवों का बन चुका है घर। यहाँ आसपास से बस्ती वालों का निकलना खतरे से खाली नहीं है और यही वजह है कि लोगों में डर का माहौल है। जो कैंबे गोल्फ रिसोर्ट है वो बघेरों का घर बनता जा रहा है। रिसोर्ट की छत पर आराम फरमाता हुआ लेपर्ड नजर आया है और एक शख्स ने वीडियो बनाकर साक्ष्य भी दिया है। इससे पहले हालांकि 2020 और 2023 में यहां पर लेपर्ड को रेस्क्यू किया जा चुका है। यहां से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। निर्मल जी, इससे पहले भी 2020 की बात की जाए, 2023 का वो वक्त याद है किस तरीके से लेपर्ड देखा गया था, रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस तरीके से यहां पर छत पर लेपर्ड देखना वाकई में वहां रहने वाले लोगों के लिए यहां पर बड़ा खतरा इससे माना जा सकता है? निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए क्योंकि अब गर्मी बहुत प्रचंड स्तर पर पहुंच चुकी है और आगे और ज्यादा प्रचंड होती चली जाएगी जैसे जैसे मई जून की तरफ हम बढ़ेंगे, और ऐसे में आसपास के वन क्षेत्रों में भोजन पानी की जो है वो बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो वैसे भी लेपर्ड इस बात को देखता है, लेपर्ड या दूसरे वन्य जीव, की जहाँ आसपास की बस्ती है जहाँ उनको भोजन मिल सके, खासकर मवेशी जिनको अपना आसान शिकार बनाते हैं वो, या उनको पानी मिल जाए उस तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन कैंबे गोल्फ रिसोर्ट की जहां तक बात करें तो इसकी स्थिति दूसरी है। ये काफी लंबे समय मतलब कई वर्षों से बंद पड़ी है। इसमें दर्जनों ऐसे कमरे हैं जो बंद पड़े हैं और लोगों ने उनके दरवाजे तोड़ दिए, किसी के कांच तोड़ दिए। तो ऐसे में सबसे मुफीद जगह इसको वन्य जीव खासकर लेपर्ड मानते हैं क्योंकि लेपर्ड बहुत कहते हैं ना कि अपने नेचर से शाही होता है, शर्मिंदा होता है, तो ऐसी जगह जाने की कोशिश करता है जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो। 2021 में यहाँ पर लेपर्ड को सितंबर 2021 में ऐसे लेपर्ड रेस्क्यू किया गया था, सबसे पहले लेपर्ड दिखा। फिर पिछले साल मार्च अप्रैल के अंदर यहाँ एक मादा शावक ने लेपर्ड अपने शावकों को जन्म दिया, एक मादा लेपर्ड ने अपने शावकों को जन्म दिया, उनको बड़ी मुश्किल से पिंजरे में लेकर के यहाँ से रेस्क्यू किया गया। अब पिछले 7-8 दिन से लगातार कैंपे गोल्फ रिजोर्ट की छत पर लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई देता है। आसपास वो भागता नजर आता है, छत पर बैठा नजर आता है। आसपास सूर्या सिटी है, दूसरी दर्जनों दूसरी बस्तियां जहां पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर रहते हैं, 2-3 तरफ यहाँ से रास्ता निकलता है। लेपर्ड का मूवमेंट निश्चित तौर पर उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, तो लोगों में दहशत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, स्थानीय लोगों का कहना है दीपिका की जब इतना लंबे समय से रिजोर्ट बनी हुई है और खाली रिजॉर्ट पड़ी हुई है, इसमें सैकड़ों कमरे इसके अंदर, दर्जनों कमरे इसके अंदर बने हुए हैं, तो क्यों ना आसपास ऐसी सुरक्षा दीवार बनाई जाए ताकि कोई वन्यजीव इसके अंदर या बाहर नहीं निकल सके और लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। और वन विभाग की टीम ने वहां निगरानी के लिए अपनी टीम छोड़ी है, लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है क्या इस लेपर्ड को ऐसे रेस्क्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इस बात का इंतजार किया जाएगा कि खुद ही वन क्षेत्र में खुद ब खुद चला जाए। लेकिन तब तक लोगों में दहशत रहेगी। आसपास सूर्या सिटी और तमाम जो दूसरे जो स्थानीय बस्तियां हैं उनमें निश्चित तौर पर इसको लेकर के हड़कंप की
दिया है। बगल में सिल्वन पार्क भी है जो वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो लेपर्ड का बड़ा आसान मूवमेंट हो जाता है इस तरफ। और मैं जैसा पहले भी कहा और मैं दोबारा इस बात के लिए वन विभाग से हम हमारे चैनल के माध्यम से भी कहेंगे, उनको सावधान भी करेंगे, देखिए भोजन पानी की कमी आएगी निश्चित तौर पर, लेपर्ड गर्मियों में बाहर निकलता है, तो कोशिश ऐसी की जाए कि जल्दी से जल्दी इस चीज को देखा जाए, कोई प्लान किया जाए, एक कंटिजेंसी प्लान बनाया जाना चाहिए था ताकि लेपर्ड्स को जंगल से बाहर जाने से रोका जा सके, क्योंकि लेपर्ड ऐसी जगह जाता है अपने शरीर से छोटे जानवर को शिकार बनाने की कोशिश करता है जिसमें बकरी है, कुत्ते हैं, शुकर हैं या दूसरे ऐसे, और उसका शिकार छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति ना आए उससे निपटने के लिए न केवल यहाँ से लेपर्ड को रेस्क्यू किया जाए बल्कि आसपास जहां जहां भी, चाहे झालाना हो, चाहे आमागढ़ हो या नारगढ़ का अचरोल का क्षेत्र, उसके आसपास जहाँ वन क्षेत्र में लेपर्ड का वितरण है वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था प्रेबेस बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, नहीं की गई तो निश्चित तौर पर न केवल मवेशियों को बल्कि इंसानों को भी इससे खतरा हो सकता है, तो इसको एक चेतावनी मानते हुए इस जगह को भी देखा जाए, यहाँ पर सुरक्षा की कोई ना कोई ऐसी प्रणाली, कोई ना कोई ऐसा योजना तैयार की जाए ताकि यहाँ से लेपर्ड वन क्षेत्र की तरफ जाए और रिहायशी बस्तियों में लेपर्ड ना आए। बिल्कुल वाकई में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस पर। बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए।